नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जावेद जी क्वेश्चन चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में आंसर करेगा यानी पेपर सॉल्यूशन, जो कि आज के डेट में सैनिक स्कूल क्लासेस का जो पेपर हुआ, तो एक क्लासेस का है जो कि सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे आंसर के, जो कि जनरल नॉलेज है 51 से लेकर 75 क्वेश्चन तक। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 51 में है, यूएन महासभा जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से भाग में संवेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, होंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, कंगारू के छोटे बच्चों को हम क्या कहते हैं? तो कंगारू के छोटे बच्चों को कहते हैं कव, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, बादल अधिकतर बने होते हैं, तो बादल अधिकतर होते हैं जल की बूंदों के, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति के लिए वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है चेक बुक, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत ने किस स्मारक से अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी इस प्रसंग हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत, सॉरी यहां पर क्वेश्चन क्लियर, ऑप्शन क्लियर नहीं रहे तो इसका आंसर 3 ही रहेगा, भरतनाट्यम। यहाँ पर लिखा है भातना, इंग्लिश में यहाँ पर क्लियर नहीं शो कर रहा है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर महीनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये ABCD। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा लड़ाकू वायुयान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये तेजस। क्वेश्चन नंबर 60, किस यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, वाहन को यानी कि किस यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है? तो इसको किलोमीटर से मापने का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, डॉट जी पर फैली हुई जीव पर फैली हुई होती है और भोजन में रसायनों से भी क्रिया करती है, तो होता है अरुंधनिया, जो कि ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, खाद परीक्षण करते समय हिमीकरण क्या करता है? तो ये करता है खाद उत्पाद को कठोर रखता है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा सी कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो यह है देवधर ट्रॉफी, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती है? तो कैसे पहचानती हैं? गंध द्वारा, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्मों में पालतू है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुर्गी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलेगा? तो यह चीनी, जो कि चीनी जल में घुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो यह छोटी माता, जो कि ऑप्शन सेकंड यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, पर्वतों पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है? आगे की ओर झुकना होता है, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो आगे की तरफ झुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हवा चौब और ट्रिफिल की बीजों को लंबी दूरी तक ले जाती है क्योंकि इनमें, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बड़े और बाल वाले बीज होते हैं, जो कि ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70, डैश राजस्थान की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण तकनीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बावड़ी,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 71, रसगुल्ला डैश की लोकप्रिय मिठाई है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जनजातीय समुदाय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भील की। क्योंकि भील भारत का एक जनजातीय समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान के राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाई गई खगोलीय प्रक्षेत्र शाला का नाम बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है जंतर मंतर। क्वेश्चन नंबर 74, डैश में आंतरिक चट्टाने खनिज आदि सम्मिलित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है भूमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, लाखों वर्षों पहले के पौधे और जानवरों के दफन किए गए अवशेषों को जाना जाता है, तो ये जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो जीके का वीडियो समाप्त हो, जीके आंसर के इस वीक यानी कि जीके केवल 25 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैथ का सोल्यूशन मिलेगा, इसके बाद लैंग्वेज का मिलेगा, उसके बाद फिर रीजनिंग का मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।